तो प्रैक्टिकली तो हमारे पास आज कोई नया टॉपिक तो है नहीं. वी हैव डन ऑल एंड द टॉपिक जो कि स्टूडेंट चाह रहे हैं रिवीजन के तौर पे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हाँ जी, क्या करना है इसमें, क्या इश्यूज हैं? इसका तीन चीजें इसकी आपने वैसे प्रिपेयर करनी होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस. इन तीनों का फॉर्मूला वही यूज करना है जो आईकैप की बुक में गिवन है, दैट इज आपको याद होगा उसका. अगर दो वैसे हैं मेरे ख्याल से तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. एक तो ये है, सपोज ये आपका Q1 होगा, ये Q2, P1 और P2, राइट. लेकिन जो आईकैप का अपना है, रही बात आपको आइडिया क्या है कि आपने अपना डिफरेंट एवरेज फॉर्मूला दिया हुआ है, वो बाकी जो फॉर्मूलाज हैं रूटीन में हम लोग इलास्टिसिटी के पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है वो. तो उसके लिए फिर हमें आईकैप की चूंकि बुक यूज करते हुए हम कोशिश भी ये करते हैं कि हम आईकैप को ही फॉलो भी करें. तो आईकैप को फॉलो करने के लिए जो उसका अपना फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. लिख लें आप लोग, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. राइट, बुक दिखाना. तो वो यूज करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसके लिए पहले हमें परसेंटेज डिमांड निकालनी होती है, परसेंटेज क्वांटिटी सॉरी, और उसके बाद परसेंटेज प्राइस. तो उसके लिए जो फॉर्मूला उसने किया हुआ है ना, आईकैप ने अपनी बुक में फर्स्ट टाइम दिया था, वो हमें मेरा ख्याल है कि फॉलो कर लेना चाहिए अगर सिक्योर रहना है थोड़ा सा. उसके लिए वो यूं करता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ क्वांटिटी. चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ प्राइस. मतलब चेंज इन के लिए क्या होता है, अभी हमने क्या कहा था, Q2 माइनस Q1. ये चेंज आ जाएगा, और एवरेज के लिए क्या आएगा, Q2 प्लस Q1 ओवर 2. इसी तरह ये क्या आएगा, P2 माइनस P1 ओवर P2 प्लस P1 एवरेज. लेकिन यहाँ जो कंफ्यूजन रह गई है जो टीचर स्टूडेंट सब की है, अगर एग्जामिनर जनरली कहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर तो आपने ये कर दिया. अगर वो कहे पॉइंट एंड आर्क, खुद वो ये वर्ड यूज करे पॉइंट या आर्क, वो क्या आईकैप ने चूंकि खुद अपने बुक में नहीं, क्वेश्चन बैंक में उसने इसको रेफरेंस दे दिया हुआ है पॉइंट एंड आर्क. तो पॉइंट एंड आर्क अगर सेपरेट कर दे फिर सिंपल फॉर्मूला ही लगेगा. उसके लिए भी कंफ्यूज स्टूडेंट को भी आती है कि पॉइंट के लिए वो
मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू, वो सिंपल कहता है कि डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, और आर के लिए भी वही जो दूसरा फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है, राइट। ये थोड़ा सा फर्क आएगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस ऐसा ना आता है ना आना चाहिए, और ना ही इसमें आपको कंफ्यूज होना चाहिए। तो जनरली स्पीकिंग क्वांटिटी डिपेंड, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, जब वो थ्री मेथड्स मैंने अभी आपको बताए थे, प्राइस, इनकम और क्रॉस प्राइस। प्राइस, इनकम एंड क्रॉस प्राइस। प्राइस में वो प्राइस का फॉर्म, प्राइस का वर्ड यूज करेगा, इनकम में इनकम का, और क्रॉस में क्रॉस प्राइसेस। प्राइस में तो कोई इश्यू नहीं है, इनकम में दो फर्दर टू हो जाते हैं। एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर। इंफीरियर के लिए, नॉर्मल के लिए पॉजिटिव आएगा, इंफीरियर के लिए नेगेटिव आएगा। रीजन आपको आइडिया होना चाहिए, इनकम अगर इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाए तो ये नॉर्मल कमोडिटीज होती हैं कि जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो यूजुअली दे वांट टू हैव मोर गुड्स। और नेगेटिव में जब इनकम इनकी इंक्रीज होती है तो डिमांड उनकी कम हो जाती है। रीजन क्या है कि वो सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं इंफीरियर से सुपीरियर क्वालिटीज की तरफ। इसलिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आएगा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप नजर आएगा, राइट। और क्रॉस प्राइस में तो सबको आइडिया है, दो होंगे, एक सब्स्टिट्यूट्स और एक कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स के अंदर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। रीजन कि जब सीएनजी अपनी प्राइस कम करता है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है, और अगर पेट्रोल अपनी डिमांड इंक्रीज करेगा तो सीएनजी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के अंदर पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता और इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, राइट। अच्छा, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिटर्मिनेंट्स है इसके, ये आप लोगों ने जरूर करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड। इसको नोट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अच्छा, और आखिरी चीज जो इलास्टिसिटी के अंदर वो कहता है वो है टोटल आउटले मेथड। उसमें आपको आइडिया है जो अपने डायग्राम्स के जरिए करना होता है। तीन डायग्राम्स वाला किया हुआ आप लोगों ने, क्यों? ये बड़ा, ये आईकैप में टेस्ट भी किया हुआ है। अच्छा आप लोग, हाँ लास्ट में नहीं, आई गेस 13 कैंड में अटेम्प्ट में ये टेस्ट हुआ हुआ क्वेश्चन। अच्छा आप लोगों ने, चले वो तो मैं बताया था आपको एक्सपेंडिचर अप्रोच। अभी जो आपने अब काम करना है ना जरूरी, तो तीन काम आपने जरूर करना है। एक आपने पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करना है, राइट। दूसरा काम डायग्राम्स और अजम्पशन एक्सेट्रा, इनकी प्रैक्टिस करनी है रिटर्न सेपरेटली, राइट। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। यार पेपर में ना सारा पेपर गलत कभी किसी का नहीं होता। कितने मार्क्स से हुआ था? 6 मार्क्स।
सर सारा पेपर तो किसी का भी गलत नहीं होता, सारा पेपर गलत होता ही नहीं है पढ़ने वाले स्टूडेंट का। इट इट मीन्स कि आपने असल में 15% प्लस जो 85 है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यूजली यहां पर आपके ज्यादा मार्क्स होते हैं, यहां आपके नंबर कम हुए होते हैं। मैक्रो में जाकर आपने कॉम्प्रोमाइज हुआ, मैक्रो में चॉइस होती है, तो ये चॉइस के लिए आप यहां सिलेक्शन करेंगे। इसका मतलब माइक्रो तो सारी करनी है, चॉइस ही कोई नहीं है। सो माइक्रो में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी टॉपिक पे भी नहीं हो सकता। तो चॉइस करनी है, सिलेक्शन करनी, तो यहां आए आप लोग। कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मैंने डेरिवेटिव छोड़ दिया और पेपर में डेरिवेटिव भी आ गया, तो मुझे को बहुत ज्यादा धिचका ही लगेगा, यार ये क्या हो गया, मैंने छोड़ा था। माइक्रो में अगर आपने एक टॉपिक छोड़ा और वही टॉपिक उसने टच कर लिया, तब तो मारे जाएंगे। जिसमान यू देयर ना, यस। सो आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है, जो आपका जो जहां से आप मरते हैं स्टूडेंट, असल में मार खाता है मैक्रो में जाकर। वो माइक्रो में चॉइस ले लेता है, प्रिपरेशन के दौरान कहता है यार मेरे प्रोडक्शन फंक्शन पे ग्रिप नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। कोई कहता है कंज्यूमर बिहेवियर का कोई पोर्शन छोड़ देता हूँ, कोई कहता है चैप्टर वन। हाँ चैप्टर वन में बहुत मार पड़ती है स्टूडेंट को, क्योंकि वो बहुत रीडिंग है, चैप्टर वन की बहुत रीडिंग है, वो कहता है उसमें मार खाता है वो। आप लोगों ने प्लीज अपनी जो ये पोर्शन ना फर्स्ट, प्लीज अपनी कोई साइंस ना लड़ाएं, कोई कैलकुलेशन, कोई दोस्त का कहना, कोई इसका कहना, कोई उसका कहना, इसको ना माने। आप अपनी मोमेंटम को मेंटेन करें कि मैंने माइक्रो सारी प्रिपेयर करनी है। अब मैं आपको वैसे बता देता हूं माइक्रो में आप लोग कहां मार खाते हैं। माइक्रो में यूजली स्टूडेंट तीन चार जगह है जहां से, एक चैप्टर वन में आपको पहले बता दिया, और चैप्टर वन के भी सेकंड पोर्शन में मार्क ज्यादा आप लोग खाते हैं। क्यों? वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स को तो देख लेते हैं, जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और मॉडर्न फाइनेंसिंग है उसको कहते हैं यार ये तो समझ नहीं आती, रट्टा है, क्रैमिंग है, तुम्हें करो है। जब आपने आपकी जान छूटनी ही नहीं है किए बगैर, तो फिर उसकी क्रैमिंग कर लें आप लोग। दूसरी मार खाते हैं मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और ऑलिगोपोली में जाकर, डायग्राम्स के ऊपर, ऑलिगोपोली वगैरह, राइट। तो कोशिश करें। तीसरा इसका सेगमेंट दरमियान में आता है, बल्कि माइक्रो के चार ही तो पोर्शन हम बनाते होते हैं। अगर आप बनाए, एक आपका चैप्टर वन है या फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई है, कंज्यूमर बिहेवियर है और फर्म बिहेवियर है। आप इसको वन बाय वन देखें, ये वीक होता है स्टूडेंट का यूजली, डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रांग होता है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और लॉ ऑफ इक्वी, इसको नहीं छोड़ना। फर्म स्ट्रक्चर के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फर्म रेवेन्यूज हैं। सीधी सीधी चीजें हैं, आप लोग कमिटेड हो जाएं, कमिटेड हो जाएं बाय ऑल मींस कि मैंने माइक्रो जो है इसका कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, बस डन कर लिया मैंने, प्रिपेयर नहीं होता। अब उसको करें, चैप्टर वन की भी एक टेक्निक है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अच्छा सुमन, चैप्टर वन को भी आपने प्रिपेयर करने का मेथड है एक, ओके? अच्छा ये आप भी कुछ कर रहे होते हैं ऐसे, पानी पीने के होते हैं जब। चैप्टर वन बेटे आप लोग याद रखें, पीपीएफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक मॉड ऑफ फाइनेंसिंग, ये तीन चीजें यही हुई है माइक्रो उसके चैप्टर वन में, यही होती है और तो कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम में हर सिस्टम के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बस ये चार चार कर लें।
आप चाहे इसको क्रैम करें, चाहे अंडरस्टैंड करें, चाहे डिस्कस करें, जो मर्जी करें, हिस्ट कर लें इसको, हिस्ट। और इस्लामिक मॉडल फाइनेंसिंग के अंदर दाओ का आइडिया है, वो चार जो हैं, मुदारबा, मुदारबा, शिरकत, नान, मुशारकत, वो आप चारों को क्रैम कर लें। तो ये पार्ट्स बन गए ना, पीपीएफ तैयार है, बिल्कुल तैयार, इसमें कोई इशू नहीं होता। इसके डायरेक्ट फंक्शन ही होते हैं, फीचर्स फीचर वो यहाँ आके क्रैम, बस हिफज कर लें इसको, आप इसको छोड़े नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल किस्म का चैप्टर होता है, इसमें उसने खुद भी 10% रखा है वेटेज इसका, तो काइंडली इसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें इसके ऊपर, राइट। और ये अब रिकॉर्डिंग आई क्या, मैं ले लें? अच्छा, इतने साइबर एक्सपर्ट यही वो ले जाओगे, भाई साहब ने इसको बड़ा स्ट्रेस किया इस साल, इसमें अटेम्प्ट ही ना दो, मारेगे ना सारे रिकॉर्डिंग ना, आई क्या ले बस हमारी। अब बाहर आई कैप जो मर्जी करें, माइक्रो से बाहर तो वो नहीं जाएगा ना। तो काइंडली चैप्टर वन हाईली इंपॉर्टेंट, डीएनएस, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी लॉज, अजम्पशन, कोई चीज ना छोड़े इसकी। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जितना कुछ क्वेश्चन बैंक के अंदर है या बुक के अंदर है, कंप्लीट करें। फर्म बिहेवियर में कोई चीज ना छोड़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ वेरियबल पोर्शन, दी हुई है क्वेश्चन बैंक में। जी सर, क्वेश्चन बैंक भी शरह शरीयत है, राइट जी। अगर उस्मान, अब मैक्रो में आए आप लोग, तो उस्मान मैंने कल कल उसकी सिक्स टेस्ट का प्लान दिया हुआ है, यू गॉट इट? उस्मान लास्ट लेक्चर में, ओके, चेक करें उसमें। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको टेक्स्ट करवा देता हूं, क्यों? लेकिन मैं रिकॉर्ड, मैं डिक्टेशन भी तो करवा रहा था ना। ओह, सर टीचर हूं मैं, आप उसको देखें, उसे मिल जाएगा आपको, अदरवाइज मैं आपको टेक्स्ट करवा देता हूँ, राइट। मैं आपको टेक्स्ट करवा देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको भी सारा कुछ, कहानियां सुनते रहते हो। देखिए इधर मैक्रो में बेटे पहला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कोई चीज नहीं छोड़नी, क्वेश्चन बैंक पकड़ ले अपना, नेशनल इनकम सारा कवर करना है। नेशनल इनकम वेरी इंपॉर्टेंट एट एनी कॉस्ट, ओके। सेकंड, उससे अगर हम तो आगे जाते हैं, मनी, फिर मनी एंड बैंक, सॉरी मनी एंड बैंक, थर्ड है आपका बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, और लास्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स। ऐसे ही और इसमें आप क्वेश्चन कभी 3 और 5 होते हैं, कभी 4 और 6 थे, वॉट एवर। अब इसमें से लास्ट अटेम्प्ट में इसका टॉपिक टेस्ट नहीं हुआ, ये भी टेस्ट हो गया, ये भी टेस्ट हो गया, और ये भी टेस्ट हो गया, राइट। फाइनेंस के पोर्शन को वैसे मैं ज्यादातौर पे समझता हूं, जो आखिरी फाइनेंशियल मार्केट्स का, इसे ना छोड़िएगा, गो के ये टेस्ट हो गया है, और एक इसको ना छोड़िएगा। मनी इन बैंकिंग जो एक हादसा ज्यादा है, इसकी कोई चॉइस ली जा सकती है, मतलब अगर आपका बहुत ग्रिप नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं है, तो आप इसको टू सम एक्सटेंट जो टाइम अपनी एनर्जी इस पे खर्च कंज्यूम कर रहे हैं। हुँ?
सारा एवरेज बन जाएगा, आई कैप है वो, कोई वैसे आई कैप है। तो ये आपने इसकी डिवीजन करनी है, तो यू करें सेगमेंट्स बनाए इसके पूरे, इसके पार्ट्स बनाए, इन पार्ट्स को इसी पार्ट्स के साथ मिलाकर अपनी प्रिपरेशन प्लान करें, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब भी आप इन्हीं पोर्शन को माइंड में रखते हुए चॉइस की लीजिएगा उनकी, राइट। तो मैं नहीं समझता हूं कि खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ी लैकिंग है, लैकिंग अगर होगी तो वो कहीं अटेम्प्ट में होगी। अब आप लोगों ने जो काम मैंने कहा था ना, जो एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना, वो है आप लोगों ने जो वो 6 टेस्ट का प्लान है, वो मुझे 6 टेस्ट आपने हर हाल मेल करने हैं। ओके सुमन, एट एनी कॉस्ट आपने वो मुझे 6 टेस्ट जो है उनका अटेम्प्ट देना है, 1 hour 20 minutes का ऑलमोस्ट वो टेस्ट है हर कोई, वो आप लोगों को मेल भी हो जाएगा वैसे स्केड्यूल, और वो सारे टेस्ट इकट्ठे आपको मेल कर दूंगा मैं 6 के 6। तो वो जो टेस्ट होंगे वो एज इट इज आप लोगों ने डेट वाइज करके अल्टरनेटिव है, 2 डेज के गैप से हैं, वो अटेम्प्ट करके मुझे देने, ताकि यार मैं अटेम्प्ट भी देखूं ना आप लोगों की। असल तो प्रॉब्लम एक्सप्रेशन का होता है मैक्रो में लिखा जो होता है, आप लोगों ने वो जो तस्वीर को लिख के आते हैं, आप जो आप लोग तस्वीर को लिखे होते हैं वो पढ़े जाए, तो फिर ये ना डायग्राम में कहां मिस्टेक्स कर रहे हैं हम लोग। ओके, नहीं नहीं सोया नहीं हुआ, हेलो, नहीं उसको लेट पहुंचती आवाज, हाँ तो हो गई देर ही। हाँ जी सुमन, ओके चले, अब जो आखिरी बात मैं वाइंड अप कर रहा हूं यहां पे साइन आउट, आप लोगों ने मेरे साथ टेक्स्ट पे रहना है जिस दिन, हाँ मैं उनको कह के भी जा रहा हूँ ऑनलाइन वालों को कि इन स्टूडेंट्स को जब मेरी जरूरत पेश आएगी तो हम आपके साथ टाइम में टाइप करके तो ऑनलाइन उसको सेशन कर लेंगे। ओके, आपने मुझे अब बता देना है, आप लोगों ने हमजा है और आप हैं, आप लोगों ने जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं उनकी तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी होंगी अब तक, वो कल भी मुझे 2 स्टूडेंट मिले थे हम रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो मैं जिस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है इसका फायदा कोई नहीं होना, आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेयर में ना जाए कि जी रिकॉर्डिंग ले लिया करूंगा मैं, इनकी रिकॉर्डिंग से नहीं फायदा इतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये चल रहा था पोस्ट बैच, पोस्ट बैच में तो हर स्टूडेंट की अपनी प्रायोरिटीज, जैसे आपने स्टार्ट में उस्मान ने मुझे कह दिया था कि सर माइक्रो मेरी इशू नहीं है, मैक्रो में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, याद है आपको? हाँ जी, तो शुरू में आपने कहा था मुझे, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग तो वो तो जो जिस तरह की रिकॉर्डिंग हम उनको ले रहे हैं या वो लेते रहेंगे, 6 to 8 स्टूडेंट हैं जो रिकॉर्डिंग के साथ मेरे से ऑनलाइन, तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आपने जरा माइंड में रखना है दोनों ने, क्योंकि आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में रहे हैं, जहां जहां आप लोगों को इश्यूज आएंगे आप मुझे टेक्स्ट करना, राइट, हम उसको अरेंज करेंगे टाइम टाइप करेंगे दोनों, और उसके बाद मैं ऑनलाइन वालों से करके यहीं इसी लैब में ही इंशाल्लाह ताला आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया करूंगा। ओके, टेक केयर।